रायपुर की पुलिस ने गैंग रेप के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सोमवार शाम मौधा पारा थाने की टीम ने एक महिला की शिकायत पर यह कार्रवाई की है। अब युवक सलाखों के पीछे हैं। महिला की शिकायत के मुताबिक उसके बॉयफ्रेंड ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। जिस महिला को लड़कों ने अपना शिकार बनाया वो पहले से शादीशुदा है। यह वारदात रविवार देर शाम की बताई जा रही है। दरअसल महिला का उसके बॉयफ्रेंड अजीत सिंह से 3-4 साल पुराना प्रेम संबंध है। इस बीच महिला की शादी हो गई मगर उसने अजीत से मिलना जारी रखा। अपने दोस्तों के साथ मिलकर अजीत ने गैंग रेप का प्लान बनाया। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई है कि अजीत को लगा कि डरा धमका कर वो मामले को संभाल लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अजीत ने रविवार शाम को महिला को घुमाने ले जाने की बात कही। बातों में आकर महिला भी उसके साथ जाने को राजी हो गई। अजीत महिला को मौधा पारा इलाके के कैनाल रोड तक ले गया। यहाँ पहले से मौजूद अजीत के दोस्त मनोज तांडी और सूरज खंडाते मौजूद थे। इसके बाद अजीत सिंह महिला से छेड़छाड़ करने लगा और तीनों ने मिलकर उसके साथ गैंग रेप कर दिया। अजीत और उसके साथियों ने महिला के साथ इसके बाद मारपीट भी की। यह भी कहा कि अगर उसने किसी को बताया तो उसे जान से मार दिया जाएगा। तब महिला अपने घर लौट गई मगर इस बात की जानकारी सोमवार को उसने पुलिस को दे दी। दिन भर की छानबीन के बाद आखिरकार अजीत और उसके दोनों दोस्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। छत्तीसगढ़ की सभी खबरें देखने के लिए देखते रहिए छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।